नमस्कार, मैं बिन वाजपेयी। अपने YouTube चैनल मैथिल वाजपेयी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो SSC CGL 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पोस्ट प्रेफरेंस को भरने से पहले आप कम से कम इस बात का तो आइडिया ले लीजिए कि आप कहां पे लाई करते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे कि SSC CGL 2022 की जो फाइनल कट ऑफ है उसका आप एक आइडिया ले लो। यहाँ पे मैं आपको एक रफ आइडिया देने वाला हूँ कि 4200, 2800, 2400, 4600 ग्रेड पे की जॉब जो है वो कितने मार्क्स पे आपको मिल सकती है, इसका आपके दिमाग में कम से कम आइडिया होना चाहिए। क्योंकि देखो, आपने अपनी आंसर की तो चेक कर ली, आप अपनी रैंक भी चेक कर चुके होंगे। तो आइडिया लेने का मतलब ये है कि आपको भी अपनी औकात पता होनी चाहिए कि आप कहाँ पे लाई करते हो और आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है। कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा क्लेरिटी आपके दिमाग में आएगी। देखो, लालच जो ज़्यादा लालच है वो आपको फंसा सकता है। कहने का मतलब ये, जैसे अगर आपके 270 मार्क्स हैं तो आपको ही पता है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर उस पोस्ट को भर देते हो तो उससे क्या फ़ायदा होगा? नहीं होगा। और कहीं ना कहीं आपको जब पोस्ट प्रेफरेंस आप भरते हो तो इस तरीके से भरो कि जो पोस्ट आपको अगर अलॉट हो जाए तो कम से कम अगर उस पर आपको जॉब करनी पड़े तो आप उस पर जॉब कर पाओ। ठीक है, तो वो चीज़ें तभी आपका माइंडसेट क्लियर होगा जब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ, इतने मार्क्स हैं तो ये जो पोस्टें हैं वो मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आप अपना बेस्ट जो प्रेफरेंस है वो दे पाएंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया देना है कि हाँ, आपको एक आइडिया हो जाए। जब आपका विज़न क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम इस दायरे में आते हैं, तो फिर आप एक जो बेस्ट सिलेक्शन है वो कर पाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में बात कर लेंगे कि जो बेस्ट प्रेफरेंस है आपके मार्क्स के बेसिस पे वो क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर के बारे में भी बात करेंगे कि कंप्यूटर की जिन पोस्ट के लिए हाई कट ऑफ सेट होगी तो आपको कितने मार्क्स आपके बनने हैं ताकि आपको उसका प्रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखिए, आपको 30% तो सभी को लाने हैं, ठीक है, 18 नंबर तो सभी को लाने हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसकी कंप्यूटर की नहीं जाएगी। जैसे कि जो पोस्टें जिनमें पहले CPT होता था, अब कंप्यूटर की हाई कट ऑफ बनेगी, तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली जाए, क्योंकि नंबर जो है स्टूडेंट के जो कंप्यूटर में उन्होंने स्कोर किया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कंप्यूटर का पेपर काफ़ी हार्ड आया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया देना है। ठीक है, अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपका शिफ्ट वाइज कितना स्कोर बढ़ सकता है, तो उसको आप देख सकते हैं, राउंड फिगर में समझ सकते हैं कि अगर आपका 2 मार्च का पेपर था तो 2 से 4 मार्क्स तक आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर आपका 3 मार्च का पेपर था तो आपके 13 से 15 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर आपका 6 मार्च का पेपर था तो 8 से 10 मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर आपका 7 मार्च का पेपर था तो 4 से 6 मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो एक रफली आइडिया है। बाकी क्लियर कट चीज़ें जो हैं वो तो अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ये बात है कि यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो और उसके हिसाब से अपना बेस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे रैंक IQ का जो डाटा है उसकी हम हेल्प लेंगे और यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे जो हैं वो सिलेक्शन की रेस में हैं और जो कौन से ऐसे बच्चे हैं, मतलब जिनका मामला जो है वो अटका हुआ है, तो आप यहाँ से खुद आपको पता चल जाएगा। देखो, आपकी जो वैकेंसी वो डिक्रीज हो गई, पहले 37,400 वैकेंसी थी, 409 वैकेंसी थी, अब आपकी 36,000 कुछ वैकेंसी रह गई है। तो अब आप रैंक देखो, 340 से ज़्यादा, जो 340 या उससे ऊपर मार्क्स करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं? 80 हैं। ठीक है, और इनकी जो एक्चुअल जो रैंक बन रही है वो 90 बने। अब यहाँ पे जो जेन्यून बच्चा है जिसके मार्क्स ठीक ठाक होते हैं वही रैंक चेक करता है, या तो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो भी रैंक चेक नहीं करते हैं, वो गिने चुने ही होंगे, और या जिनके बहुत कम मार्क्स हैं वो रैंक चेक नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम जो बच्चे जो सिलेक्शन की रेस में हैं वो उनका डाटा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये सिनेरियो बन रहा है कि 340 या उससे ऊपर वाले जो हैं वो 80 कैंडिडेट हैं और उनकी जो एक्चुअल रैंक बन रही है वो कितनी बन रही है? 90 बन रही है। ठीक है, 330 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनका उनकी रैंक जो है वो कितनी है, यानी कि 420 एक्चुअल कैंडिडेट हैं और उनकी जो रैंक बन रही है वो कितनी बन रही है? 470। और 320 से ऊपर 1530 और उनकी जो एक्चुअल रैंक बन रही है वो कितनी बन रही है? 1670। अगर हम बात करें 310 से ऊपर तो 4370 बच्चे हैं और इनकी जो एक्चुअल रैंक बन रही है वो कितनी बन रही है? 5000। ठीक है, 300 से ऊपर कितने हैं? 8770 बच्चे और इनकी जो एक्चुअल रैंक बन रही है वो कितनी बन रही है?
9800 और 290 से ऊपर कितने बच्चे हैं 14000 और इनकी जो एक्चुअल रैंक बन रही है वो कितनी बन रही है 16600 और 280 से ऊपर जो बच्चे हैं वो 22000 हैं और इनकी जो एक्चुअल रैंक बन रही है वो 24500 बन रही है। 270 से ऊपर जो बच्चे हैं वो 30000 हैं और इनकी जो एक्चुअल रैंक बन रही है वो 33600 बन रही है। यहाँ पे 265 को भी अगर आप लेके आओगे तो आप देख पा रहे होगे कि 10 नंबर पर रैंक में कितना डिफरेंस आपका आ रहा है। तो 265 तक ये जो क्राइटेरिया है जो 36000 वैकेंसी वाला क्राइटेरिया है वो लगभग फिल हो जाएगा, यानी कि 265 तक जिन बच्चों का स्कोर बनना है उनके फेयर चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा। जस्ट यहाँ पे इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। यानी कि 265 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। 265 ये UR की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक रफली आइडिया ले लेते हैं कि कितना आपका किस रेंज से किस रेंज तक मार्क्स है तो आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ये पोस्ट भरनी चाहिए। देखो ये जो पोस्ट है इनके लिए आपका कंप्यूटर की हायर कट ऑफ बनेगी। तो ऐसा नहीं है जैसे 18 नंबर चाहिए आपको कंप्यूटर में क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपका 20 या 21 स्कोर भी है 21 या 22 स्कोर है तब भी आप इसको प्रेफरेंस में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। अगर MEE के बात करें यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर बात करें तो अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो 330 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसको प्रेफरेंस में जरूर दीजिए, ये आपको मिल सकती है। और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा 315 मतलब अगर आप SC कैटेगरी के बच्चे हैं तो 315 तक आप इसको भर सकते हैं। बाकी प्रेफरेंस तो सभी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ यहाँ तक मिलने के चांसेस आपके रहेंगे। बाकी जैसे अदर जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो 5-5, 10-10 नंबर अपना कम कर सकते हैं। अगर हम CSS की बात करें तो ये 315 अगर UR वाले बच्चे हैं 315 या उससे ऊपर नंबर है तो ज़रूर इसको प्रेफरेंस दें। और 280 तक लास्ट तक जाएगा, यानी कि जो ST वाले बच्चे हैं वो 280 जिनका स्कोर है वो इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, उनको मिल सकती है। GST इंस्पेक्टर की बात करें तो 300 से ऊपर अगर आपका स्कोर है UR कैटेगरी में तो भरिए, और जो अदर कैटेगरी वाले हैं वो अपना 5-5, 10 नंबर कम कर लीजिए। बाकी ST में 270 तक ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ तक आपको मिल सकती है ये पोस्ट, ठीक है। इसकी कट ऑफ यहाँ तक रह सकती है। 4200-4600 की बात करें अगर, ठीक है, ये तो हो गए वो पोस्ट जहाँ पे आपका जो कंप्यूटर की हायर कट ऑफ बनेगी। 4200-4600 की अगर बात करें तो 300 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं UR कैटेगरी में तो कहीं ना कहीं आप इस इन जो पोस्ट हैं जो 4200-4600 ग्रेड पे की इनको आप प्रेफरेंस में भरीता दीजिए अपना, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर आपको देख लेना है, ठीक है। और 270 तक लास्ट, यानी कि ST वाले जो बच्चे हैं उनको 270 तक ये मिल सकता है, ठीक है। अगर 2800 ग्रेड पे की जॉब की बात करें तो 285 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, और लास्ट ये कहाँ तक जाएगा 240 तक। TA की बात करें तो 275 या उससे ऊपर जिनके मार्क्स हैं उनको ये मिलने का चांस रहेगा, और ये 230 यानी कि ST वालों को 230 तक ये मिलने की संभावना रहेगी। अगर 2400 ग्रेड बे की जॉब की बात करें जिसमें PA आएगा जिसकी मैक्सिमम वैकेंसी है तो 265 या उससे ऊपर अगर मार्क्स हैं आपके, ठीक है, और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा 225 तक। बाकी जो अदर कैटेगरी वाले हैं वो इसके बीच में लाई करते हैं। तो एक ये ओवरऑल आइडिया है, आइडिया देने का मैंने प्रयास किया है कि अब देखो यहाँ से क्या है आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि आप 4200-4600 ग्रेड पे की आपको मान लेते हैं कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स नहीं है, ठीक है, 4200-4600 ग्रेड पे वाले जो जॉब है उनको प्रेफरेंस देना है, तो 300 या उससे ऊपर अगर नंबर हैं या मान लेते हैं 295 हैं या 290 हैं तब तक की आप हिम्मत कर सकते हो कि हाँ ये प्रेफरेंस देना चाहिए। बाकी अगर इससे कम है तो फिर आप नीचे आ जाओ, क्योंकि फिर कोई देने का मतलब नहीं है। अगर मिल भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ आपको फेंक देगा, ठीक है। ऐसे 2800 ग्रेड पे तो आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ इस रेंज तक तो ठीक है, यहाँ तक मिल जाएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। ऐसे TA के लिए कहाँ तक मिल जाएगा उसकी संभावना क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। 2400 की जो संभावना है PSA की वो भी मैंने आपको बता दी। तो इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एक आइडिया देना कि आप कहाँ पर लाई करते हो और आपको अपना प्रेफरेंस जो है वो किस हिसाब से देना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर हो और आप सोच इसके बारे में रहे हो तो कोई मतलब है इसका, नहीं है, ये आपको ही पता है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं आपका लालच है, आप सोचते हो ये मिल सकती है, तो ये काल्पनिक बात है, लेकिन आपको अपनी औकात के हिसाब से चीज़ें करनी है, ठीक है। जैसे जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं
उसके हिसाब से अगर प्रेफरेंस दोगे तो वो आपको एक सही पोस्ट दिला देगा, ठीक है। तो इससे एक आइडिया आपको मिल गया होगा, बाकी कैसे प्रेफरेंस देना है उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में बात कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।